नमस्कार साथियों, हम बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का। जो अभी रिसेंटली वनपाल का जो सिलेबस आया है, उसमें हम दैनिक विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे और उसका जो भी वीडियो होगा पूरी क्लास के साथ मैं अपलोड करना चाहूँगा। और बात करते हैं दैनिक विज्ञान की, तो बेसिक एवरीडे साइंस में बहुत से टॉपिक है वैसे तो, पर मोस्टली अगर आरएसएम बोर्ड का देखा जाए तो दैनिक विज्ञान एक तो आएगा आपका तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक, रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु, अम्ल, सा, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन, अपमान, ये सारे है ना केमिस्ट्री के टॉपिक है जो आप अपने को कवर करवा दिया जाएगा आपको लोगों सबको दोस्तों। और फिर आता है फिजिक्स के चैप्टर आ जाते हैं कुछ अपने दैनिक जीव विज्ञान के अनुसार, जैसे प्रकाश का परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, जितने भी नियम होते हैं प्रकाश के, प्रकाशिकी बोल सकता हूँ, फिर लेंस के टाइप्स, मानव आँख, ये तो पर्टिकुलर टॉपिक है जो कवर करवाऊँगा मैं आपको। इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें मैं जितने भी होगा मैं नोट्स पीडीएफ बना के भी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। फिर फिजिक्स का ही एक चैप्टर और है, जैसे विद्युत धारा में ओम, टाइप ऑफ विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर्स, ये सारे फिजिक्स के टॉपिक्स। फिर उसके बाद बायोलॉजी के टॉपिक्स की बात करें तो ह्यूमन बॉडी पूरा आ जाता है, ह्यूमन बॉडी में मोस्टली जैसे मानव मस्तिष्क से हार्मोन्स, मानव रोग, ह्यूमन हेल्थ, डिजीज क्योर, पाचन तंत्र, हड्डियाँ, विटामिन से होने वाले जितने भी रोग हैं, मोस्टली जितने होगा मैं पूरा कवर करवाने की आपकी पूरी कोशिश करूँगा। मतलब जहाँ तक लगता है कि क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने एसीपी के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया था और उसमें भी अच्छा स्कोर हुआ जिन जिनका जिन्होंने देखा था वीडियो। फिर बात करते हैं बॉटनी में जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व, बायोमास, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, पारिस्थितिकी तंत्र, मेंडल का आनुवंशिक नियम, गुणसूत्र, ये मेन टॉपिक है। इसके अलावा भी जितना हो कवर करवाऊँगा। इसीलिए साथियों जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके लाइव क्लास में उपस्थित होने की कृपा करना। आपका ही छोटा भाई हूँ, दोस्त हूँ, समझना और सपोर्ट ज़रूर करना।